हेलो गाइस, फोर के वॉक थ्रू में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नेशनल रेल म्यूजियम। अगर लोकेशन की बात करें तो ये भूटान एम्बेसी चाणक्यपुरी में लोकेटेड है। म्यूजियम की टाइमिंग समर में 9:30 to 5 PM और विंटर में इसकी टाइमिंग 9:30 to 7 PM तक हो। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सर विश्वेश्वरैया मोतीबाग मेट्रो स्टेशन है, जो कि पिंक लाइन पर पड़ता है, और इसकी डिस्टेंस जो है इस मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर। आप चाहें तो पैदल आ सकते हैं या आप वहां से 3-व्हीलर भी लेकर के आ सकते हैं। यहां का नियरेस्ट बस स्टैंड जो है नेशनल रेल म्यूजियम ही है, जो कि शांति पथ पे चाणक्यपुरी में पड़ता है। लेकिन यहां पे बस काफ़ी कम है। यहां पे जो बस रूट नंबर आती है वो 604 620 781 ही आती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है। वीकडेज यानी ट्यूजडे टू फ्राइडे एडल्ट के लिए एंट्री टिकट 50 रुपये, जबकि 3 से 12 साल के बच्चों के लिए ये टिकट 10 रुपये की है। स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज पे एडल्ट के लिए एंट्री टिकट 100 रुपीज़, जबकि 3 से 12 साल के बच्चों के लिए एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपये है। अगर आप जॉय ट्रेन राइड करना चाहते हैं तो वीकडेज में आपको अपने लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि ये टिकट की कीमत वीकेंड्स पे ये एडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ टॉय ट्रेन की भी फैसिलिटी है। अगर आप टॉय ट्रेन का एंजॉय करना चाहते हैं तो वीकडेज में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए 100 रुपये की टिकट देनी होगी, जबकि वीकेंड्स पे आपको बच्चों और बड़ों दोनों के लिए 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। इस म्यूजियम में भारतीय रेल के 153 ईयर्स के हिस्ट्री को दिखाया गया है, जो दो पार्ट में दिखाया गया है। एक पार्ट आपका इनर पार्ट है, जो कि हमारा इंडोर म्यूजियम है, और दूसरा पार्ट हमारा जो है एक्सटर्नल म्यूजियम है। इंडोर पार्ट में हमारे ट्रेन का मिनिएचर वगैरह हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय रेल पुराने समय से लेकर के आज तक में किस तरह से चलती है। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर के पार्ट की ओर। Thank you.
चलिए चलते हैं अब आउटडोर म्यूजियम की ओर, वहाँ का मजा लेते हैं। आउटडोर म्यूजियम में पटियाला स्टेट मोनोरेल, ट्रांसब्रिज, फेरी क्वीन, मॉरिस फायर इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, प्रिंस ऑफ वेल्स की सैलून, महाराजा इंदौर की सैलून, महाराजा मैसूर की सैलून, सारे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्रैंक टैंक है, यहाँ पे हमारे स्टीम इंजन वगैरह सारी एग्जीबिशन में लगी हुई है। इस प्लेस को विजिट करने के लिए ये तो ऐसे तो हम पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें मौसम काफ़ी ना कोल्ड होता है ना हॉट होता है, तो आप आसानी से यहाँ 4 से 5 घंटे का समय दे सकते हैं। इस म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन 7 अक्टूबर 1971 को उस समय के प्रेसिडेंट वीवी गिरी द्वारा किया गया था, जबकि इसका इनॉग्रेशन 1 फरवरी 1977 को किया गया, और ये पूरी की पूरी म्यूजियम 11 एकड़ लाइन में फैली हुई है। Thank you.
भाई अभी मैं टॉय ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पे टॉय ट्रेन राइड करूँगा। आप अगर यहाँ आते हैं तो टॉय ट्रेन या जॉय ट्रेन, दोनों में से एक कोई ज़रूर राइड कीजिए। तो गाइस अब मैं टॉय ट्रेन को राइड कर चुका हूँ, जैसा मैं सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, एक बिल्कुल टॉय की तरह है। पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी ट्रेन में हम इतने सारे लोग कैसे जा पाएंगे, बट ये देखिए कितनी मज़ेदार चल रही है। राइड को इंजॉयबल बनाने के लिए कई जगह आर्टिफिशियल स्टेशन बनाए गए हैं और कई जगह टनल्स भी हैं, और मैं घूम करके देख चुका हूँ। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस एंजॉय में। आप किसी भी राइड का एंजॉय लेकर के, मेरा कहने का मतलब जॉय ट्रेन या टॉय ट्रेन, राइड करने के बाद इस म्यूजियम के चारों तरफ 90% पार्ट आप देख सकते हैं। ये हमारे 150 साल से भी पुराने इंजन, कोचेस, राजा महाराजाओं के टाइम के ट्रेन्स को आप देख सकते हैं बिना थके हुए। आप किसी भी राइड को लेकर के हमारे इंडियन रेलवे की ओल्डेस्ट ट्रेन जैसे कैरी पे, कालका शिमला रेल पे, माथेरान हिल रेल कार, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, सभी का इंजन को आप देख सकते हैं। और ये सभी के पास से गुजरती है, सीन काफ़ी खूबसूरत है और आपको इस नेशनल म्यूजियम आने का पूरा इंजॉय मिलेगा। इंजॉय को और भी बेहतर बनाने के लिए आप देख रहे हैं जगह जगह जो आर्टिफिशियल आपका स्टेशन बना हुआ है, उस स्टेशन पर जो गाड़ी चलती है उसको वहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये क्या मॉडल रेप्लिका है, और ये आपका राइड जो है बिल्कुल सफल रहेगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा। आप ये जो सामने वाला जो देख रहे हैं वो दार्जिलिंग हिल रेलवे है। अभी हम एक टनल से, आर्टिफिशियल टनल से होकर गुजरने वाले हैं। जब कभी बैठे तो आप सावधानी से बैठे ताकि आपका सिर टनल से ना टकराए। वाह, ये हमारे साइड में जो आप देख रहे हैं ये एक रेल पार्क है। यहाँ रेल की मॉडल है, छोटी छोटी टॉयस टाइप की, और इसे एक टाउन का रूप दिया गया है, और इसमें रेलवे सिस्टम की तरह से काम करती है उसको दिखा गया है। तो किसी के वर्किंग मॉडल। और ये रही हमारी दूसरी टनल। आज की हमारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और यहाँ आना बिल्कुल सफल रहा। हमारे टॉय ट्रेन की राइड ख़त्म होती है। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ से उतर करके अब मैं पैदल ही इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करूँगा। बने रहिए मेरे साथ।
इस समय मैं नीलगिरी माउंटेन पे जो स्टीम इंजन चलती थी उसके पास आया हुआ हूँ, और ये स्विस कंपनी से 1921 में इंपोर्ट किया गया था, और ये नीलगिरी माउंटेन के लिए स्पेशली बनाया गया था। इस वक्त मैं A885 लोकोमोटिव के पास खड़ा हूँ, और ये जो लोकोमोटिव आप देख रहे हैं ये एक स्टीम लोकोमोटिव है, ये एक स्टीम इंजन है। ये इंडिया का 2 गेज का सबसे स्मॉलेस्ट इंजन है, जिसका प्रयोग पहले ऊटी में ट्रेन को पुल करने के लिए किया जाता था। आज ये रेप्लिका के तौर पे यहाँ नेशनल रेल म्यूजियम में रखा हुआ है।
रहे हो? तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।